शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर में मॉल और उसके सामने खोली गई चौपाटी के आसपास रोजाना जाम के हालात निर्मित हो रहे हैं। दरअसल यहां वाहन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में लोग सड़कों पर बेतरतीब ढंग से वाहनों को पार कर रहे हैं, जिससे चौड़ा मार्ग भी सकरा नजर आ रहा है। शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर में मॉल और उसके सामने खोली गई चौपाटी के आसपास वाहनों की बेतरतीब पार्किंग से यातायात प्रभावित हो रहा है। हालात ये हैं कि शाम ढलने के बाद सड़क से निकलना दुभर होने लगा है। सिविक सेंटर घूमने आने वाले लोग सड़क पर बेढंगे तरीके से वाहनों की पार्किंग कर रहे हैं, जिससे यहाँ यातायात जाम के हालात बन रहे हैं। खास बात यह है कि इस ओर ना तो यातायात विभाग के जिम्मेदारों का कोई ध्यान है और ना ही अतिक्रमणों को अलग करने वाले नगर निगम के आला अफसरों को। ऐसे में आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि यातायात विभाग के अफसरों को जब स्थिति से अवगत कराया गया तो उन्होंने नगर निगम से संपर्क कर वाहन पार्किंग के लिए मार्किंग कराने की बात कही। पार्किंग वाली जो पार्किंग नहीं है टू व्हीलर की और फोर व्हीलर की, इसलिए लोग सड़क पे लगा दे रहे हैं वहाँ पर। तो अभी नगर निगम से जैसे भी होगा वहाँ बात करके वहाँ पार्किंग कराएं। हमारी वैसे डेली वहाँ कार्रवाई चलती है, वहाँ फोर व्हीलर टू व्हीलर गाड़ियों को लाते हम लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती। पर वहाँ पर पार्किंग होना चाहिए, यदि वहाँ पर जो है चौपाटी बनी है तो उसकी पार्किंग के लिए अभी कोई व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की नहीं, उसमें हम बात करके वो पार्किंग के लिए व्यवस्था बनवाएंगे। खास बात यह है कि सिविक सेंटर में ही 87 कार क्षमता वाली मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। बावजूद इसके चौपाटी, दवा बाजार सहित वंदे भारत चौक और उसके आसपास सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग हो रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग के अफसर आंख मूंद कर बैठे हुए हैं।